हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करिए, बताइए मुझे। आज दिन शुक्रवार है और सॉरी, मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है। काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत है। हमेशा ज़्यादातर मेरा गला ही बैठा रहता है। तो आज दिन शुक्रवार है और टाइम 3:30 बजे हुए हैं दिन के, और मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप लोग देखिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने आई हुई हूँ। आप लोग मेरे चैनल को नहीं देखते हैं काफ़ी दिनों से। मैं 5 6 6 7 एक हफ्ता होने वाला है तब से मैं वीडियो डाल रही हूँ, और आप लोग कोई चैनल को नहीं देखता है। तो ये तो मैं भी जानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि रातों रात मेरे चैनल को मेरा चैनल ग्रो कर जाए। रातों रात तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके आप लोग अपनी देखिए, थोड़ी संख्या बढ़ाइए। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते में वैसे कुछ नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ, है ना? तो देखिए आप लोग कितने दिनों तक मैं कोशिश करती हूँ और आप लोग नहीं देखते हैं। कुछ तो आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो लगातार ही डालूंगी वीडियो, तो मैं डालूंगी ही। अब देखती हूँ कब तक मुझे ऐसा बगैर व्यूज़ के वीडियो डालने पड़ेंगे, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5 6 6 7 वीडियो ही डले हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तो देखना ही चाहिए ना। और मेरे उसको कोई नहीं देखता है वीडियो को, और ना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं आते हैं एक हिसाब से। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी मेरे वीडियो में कमियां समझ में आए बताइए, देखिए, और तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको आपको वीडियो पसंद आ रहा है। मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगी बनाने का। और अब क्या है कि एक टाइम मैं बहुत बिजी हुआ करती थी, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि चलिए अब मैं भी, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं थोड़ा बहुत, मेरे पास टाइम रहता है, बचता है दिन का, मैं घर का काम करने के बाद मेरे पास टाइम होता है, तो मैंने सोचा कि चलिए अब कुछ अपने लिए किया जाए, क्योंकि अभी तक मुझे अपने लिए कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। बस मैं दूसरों के लिए ही करती रही, दूसरों के लिए। मैं मतलब है तो मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा बनता है कि मैं करूं, लेकिन अपने खुद के लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मैं अब कोशिश कर रही थी कि मैं अपने खुद के लिए कुछ करूं। तो आप लोग मुझे, मेरा साथ दीजिए, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी। नहीं तो मैं वीडियो एडिट करती रहूँगी और डालती रहूँगी, एडिट करती रहूँगी, डालती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल में को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगी बनाने की। अगर मैं उसमें मुझे अनुभव नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँगी और जिसका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग मेरे चैनल को देखिए प्लीज़। बाय दोस्तों, और ब्लॉग को आगे आप एंजॉय करिए।
मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल भिगो दिए थे। पहले मैंने सोचा था मैं इडली बनाऊँगी, इडली के लिए मैंने चावल डाले थे, भिगो दिए थे, और दाल डालना भूल गई थी। तो मैंने फिर अब जो सुबह देखा तो मैंने दाल नहीं डाली थी फूलने को, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो आज मैं अपने हिसाब से अपने ही तरीके से बनाती हूँ, जो कुछ बन जाएगा अच्छा बनेगा तो दिखा दूँगी और नहीं बनेगा तो नहीं दिखाऊँगी। तो फिर मैंने ये सब कट करके रखा है, टमाटर है और ये गोभी है, ये प्याज है और गाजर है, हरी पत्ती है उसी में मैंने, हाँ हरी मिर्ची है, ये सब चीज़ें, शिमला मिर्च है और ये करी पत्ता है, ये सब मैंने कट करके और इसमें इसका पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था, चावल का पेस्ट बनाया था वो जो रात में मैंने भिगो दिए थे इडली के लिए, भिगोए थे लेकिन अब फिर ये बना, ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया। मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा ही बनेगा, बुरा नहीं बनेगा, और अगर ना बनता अच्छा तो मैं आपको ना दिखाती। तो मैंने ये सब इसमें डाल दिया और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, मिर्ची नहीं डालूँगी अभी क्योंकि पहले बेटे के लिए बना दूँगी मैं। मैं आपको बताया था कि मेरा बेटा मिर्ची नहीं खाता है बिल्कुल, इसलिए जब मैं उसको ये नमक डाला है मैंने, और नमक डालने के बाद अब मैं डालूंगी इनो। इनो डालना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर इनो नहीं डालेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये चावल का है। और इसमें मैंने आलू भी दो तीन आलू मीडियम साइज़ के मिक्स करे थे, ये मैंने इनो डाला आधा चम्मच, आधा चम्मच ही हो जाता है क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। और इनो अगर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा डाल देंगे तो काम चल जाएगा आपका। अभी बेटर मेरा बहुत ही गाढ़ा है, थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा भी पानी डालूंगी क्योंकि इतने थिक बैटर से नहीं बन पाएगा वो, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल दें, मैंने तो डाला था शायद इसमें। और अब थोड़ा सा ही तो दोस्तों ये देखिए मेरा बेटर तैयार है, बन के तैयार हो गया है, अभी शायद ठीक है बहुत। अभी इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, और पानी डालने के बाद ये तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डलेगा इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। और फिर मैं ये देखिए मैंने शायद थोड़ा सा पानी और डाला है, फिर इसके बाद मैं मैंने तवा चढ़ा दिया था लेकिन तवा उसमें तेज़ आंच नहीं करते हैं उसमें, उसमें बहुत ही, हाँ देखिए डाला मैंने अभी पानी क्योंकि वो मुझे देखने में बहुत ही थिक लग रहा था। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद अब ये परफेक्ट बैटर बना है जो मतलब जिससे हम बना सकते हैं। फिर मैंने इसको ऐसे पिज्ज़ा टाइप से बनाया था जैसे पिज्ज़ा बनता है, तो पहले मैंने सोचा कि अप्पे मेकर में बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि अप्पे अभी एक दिन बनाए थे, मैंने रेसिपी डाल चुकी हूँ तो वैसे ही देखने में लगेगी। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैंने सोचा चलो पिज्ज़ा टाइप से बनाती हूँ, तो मैंने पहले इसमें ऑयल देसी घी लगा दिया था, कर दे मैंने पिज्ज़ा की तरीका फैलाया है, और बनाने में बहुत ही आसान है। इसको मैंने ढक दिया है, ये देखिए आसानी से पलट भी जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये पलटने में प्रॉब्लम होगी लेकिन वो तो बहुत ही आसानी से पलट गया, हाथ ही से पलट गया, हाथ से उठा के मैंने पलट दिया। और आप उससे कोशिश करें कि हाथ से ना पलटें क्योंकि मैं जल गई थी पलटने में। ये देखिए
बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा था। मैंने खा के देखा, अच्छा स्वाद था उसका। पहले मैंने सोचा था शायद एक बार ये बन जाए, मैं कभी कुछ ट्राई नहीं करूँगी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैंने इसको कहीं देखा नहीं है ऐसा, मुझे पता नहीं है कि ऐसे बनता भी है। लेकिन ये मैंने ट्राई किया तो वो अच्छा भी लगा और आसानी से बन गया। तो आप चाहें तो आसानी से बहुत ही झटपट ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, मेरी मम्मा ने चैनल बनाया था, उसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और जो मेरी मम्मा ने जो ब्रेकफास्ट बनाया है वो है राइस ब्रेकफास्ट, इसका कुछ भी बन सकता है। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। और इसके लिए आप अब बाय बाय। शॉपिंग करने के लिए तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। उन्हीं लोगों की शॉपिंग करवाते करवाते शाम हो गई थी। एक जगह पर जब वो लोग चप्पल देखने लगे तो वहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी थी वैली, तो चलते चलते मैंने ये बस ले खरीद पाई। और ये मुझे देखने में ही अच्छी लग रही थी और रिजनेबल प्राइस में भी थी। आप चाहें तो आप देख के बताएं कि ये कितने की है, हो सकती है कमेंट में बताइएगा प्लीज़, फिर मैं बताऊंगी कि ये कितने की मिली थी मुझे। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद कंफर्टेबल भी बहुत है और रीजनेबल प्राइस में है। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रही थी ये। आप चाहें आपको बताइए गैस करके कि ये कितने की हो सकती हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर, और मैं फिर मैं बाद में बताऊंगी कि ये कितने की थी। बहुत ही प्यारी।